युद्ध पर बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ये जो बाइडेन ने दावा किया है। इसराइल पर ईरान का हमला फेल था, बाइडेन ने कहा। और आप ये देखिए कि ईरान इसराइल युद्ध पर बाइडेन का बयान आया है, इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, यानी कि इसराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका इस वक्त कर रहा है। बाइडेन ने साफ कह दिया है इसराइल पर ईरान का हमला फेल था। और जिस तरीके से 200 मिसाइलें दागी गई हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, तुरंत एक बैठक भी बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक बुलाई और उस बैठक के दौरान एक बार फिर से इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। और आप ये देखिए कि जहां पूरे विश्व में तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष विराम की कोशिश की जा रही थी कि शांति व्यवस्था बने, शांति बने, इस तरीके का जो युद्ध हो रहा है वो खत्म हो, क्योंकि इससे आम इंसान की जान दांव पर लग जाती है, लेकिन अब ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा हमला कोई अप्रत्याशित था, इसराइल को कहीं ना कहीं इस बात की वानगी थी, इस बात का भान भी था और इस बात का ज्ञान भी था कि ये ईरान और लेबनान के क्षेत्रों में जिस तरह से घुस करके हमले किए जा रहे थे उसके बाद कहीं ना कहीं पलटवार ज़रूर होगा, ये बात इसराइल को अंदर खाने ज़रूर मालूम रही होगी। हालांकि ये इतनी जल्दी होगा इस बात की संभव है कि अपेक्षा न रही हो। And we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel. और चलिए अब आगे बढ़ेंगे कुछ